भारत और वेस्टइंडीज के बीच में लगातार भारत ने 90वीं टेस्ट सीरीज जीती। दूसरा टेस्ट मुकाबला ड्रा होने से WTC में हुआ नुकसान। या दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच में बारिश बनी विलेन। पोर्ट ऑफ स्पेन में क्वीन पार्क हॉल में हुए इस टेस्ट मुकाबले में पांचवें दिन खेल बारिश की वजह से पूरी तरह से धुल गया। एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। ऐसे में भारत को लगभग जीते हुए टेस्ट मैच को ड्रॉ पर समाप्त करना पड़ा। टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज 1-0 से अपने नाम की। भारत ने डोमिनिका में खेला गया पहला टेस्ट एक पारी और 141 रन से अपने नाम किया था। अब भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज का मुकाबला बारबाडोस में 27 जुलाई को खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के सामने 365 रनों का लक्ष्य रखा था। रविवार का खेल समाप्त होने तक वेस्टइंडीज ने 2 विकेट पर 76 रन बना लिए थे। पांचवें दिन और आखिरी दिन उसे 289 रन की जरूरत थी। वहीं भारत को जीत के लिए सिर्फ 8 विकेट चाहिए थे, लेकिन ऐसे में कोई खेल नहीं हो सका। ऐसे में भारत को 1-0 से ही संतुष्ट होना पड़ा। वेस्टइंडीज भी क्लीन स्वीप से बच गया। भारत ने अपनी पहली पारी में 438 रन बनाए थे। जवाब में वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 255 रन पर ही सिमट गई थी। ऐसे में टीम इंडिया को 183 रनों की बढ़त मिली थी। भारत ने दूसरी पारी को 2 विकेट और 181 रन पर घोषित कर दिया था। कुल 364 रन की बढ़त हासिल कर ली थी। इस तरह वेस्टइंडीज को 365 रनों का लक्ष्य मिला था। यह भारत और वेस्टइंडीज के बीच में 100वां टेस्ट मुकाबला था। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब